हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश। और आज के वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ प्लास्टर क्वांटिटी जो हम लोग बाउंड्री वॉल का निकाले थे। आप लोग जानते हो मैं ड्रीम हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप सीरीज पे वीडियो ला रहा हूँ और बहुत सारा ला रहा हूँ। मैंने बोला है आप लोगों से कि मैं 200 से 250 वीडियोज लाने वाला हूँ जस्ट घर बनाने के ऊपर में। सारा क्वांटिटी एस्टिमेट हो गया, रेट एनालिसिस हो गया, बीबीएस का हो गया, सब चीज़ इस वीडियो में रहेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सारा मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ऑलरेडी 10-12 वीडियो हो चुका है, तो देखिए और देखते जाइए। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से चला जाओ और सारा वीडियो एक बार देखो तो आपको खुद अच्छा लगेगा, आप खुद इंटरेस्ट लोगे। और हाँ, ऐसी वीडियोस अगर आपको रेगुलर चाहिए, आप मिस नहीं करना चाहते हो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो कुछ डालूंगा वो आपको रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने में आज मैं क्या बताने वाला हूँ ये देखिए। लास्ट वीडियो जिन्होंने मेरा देखा है वो लोग जानते हैं कि मैंने बताया था एरिया ऑफ प्लास्टर फॉर बाउंड्री वॉल। इस बाउंड्री वॉल को प्लास्टर करने के लिए हमें जो एरिया चाहिए वो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो इस पार्ट में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरा पिछले वाला वीडियो देखना होगा। तो आज मैं ये वीडियो नहीं बताने वाला हूँ, आज मैं बताने वाला हूँ इसी एरिया में, मतलब हमारा टोटल एरिया कितना निकला था, 1771 स्क्वायर फीट। अगर मैं स्क्वायर मीटर में ले जाऊँ तो 164.5 स्क्वायर मीटर। तो इस स्क्वायर मीटर में आपका कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना सैंड लगने वाला है, कितना वाटर लगने वाला है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। कितना आपको इंक्रीज करना होगा, कितना ड्राई वॉल्यूम के लिए इंक्रीज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका बल्किज फैक्टर क्या है, बल्किज के लिए आपको कितना इंक्रीज करना है, सब चीज़ इसमें बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कुछ मिस ना हो जाए आपसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो यहाँ पे देख लीजिए, जो एरिया ऑफ प्लास्टर फॉर बाउंड्री वॉल कितना निकला था, 164.5 स्क्वायर मीटर। तो ये अनइवन वैल्यू देख के आप मत सोचिएगा कि सर 164.5 आप क्यों लिए। तो मैंने बता दिया पहले ही कि अब मैंने यहाँ पे ये एरिया निकाला था, उसी एरिया पे अब मैं निकालूंगा सीमेंट सैंड सब चीज़, ठीक है। तो चलिए अब इसको देख के पढ़ते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सारा लिख के रख लिया है। बस जस्ट स्पीड में थोड़ा समझाते हुए चला जाऊँगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने सीमेंट सैंड का जो रेशियो है, सीमेंट सैंड का मिक्सिंग का जो रेशियो पकड़ा है वो कितना पकड़ा है, 1:6। मतलब वन पार्ट मेरा यहाँ पे सीमेंट है और 6 पार्ट हमारा क्या है, सैंड है, ठीक है। प्लास्टर थिकनेस मैंने यहाँ पे पकड़ा है 12 mm का। अगर मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 0.012 मीटर हो जाएगा वो, ठीक है। अब आप देखिए, हमें सीमेंट सैंड वाटर का क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए जो प्लास्टर का बेड होगा, जो प्लास्टर होगा ना, उसका वॉल्यूम पहले निकालना होगा। जब तक तो वॉल्यूम नहीं निकालोगे वाटर का, तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसका कुछ निकाल नहीं पाएंगे, सीमेंट सैंड ये सब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं, और अगर हमें एरिया पता है तो उसको जस्ट थिकनेस से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एरिया पता है, एरिया तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया इंटू थिकनेस मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया है 164.5, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटू थिकनेस कितना आया है मीटर में, 0.012 मीटर, 0.012 मीटर। अगर आप चाहते हो कि 10 mm का प्लास्टर करो या 15 mm का या 19 mm का, तो बस यहाँ पे वो चेंज कर देना होगा आपको, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1.974 क्यूबिक मीटर। और ऑलवेज याद रखिएगा ये हमारा वेट वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम नहीं है। मतलब इस क्वांटिटी में आपको सीमेंट सैंड वाटर नहीं निकालना है। इस क्वांटिटी में अगर आप सीमेंट सैंड वाटर निकाल दोगे ना तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ड्राई वॉल्यूम में जब भी हम लोग कुछ पानी डालेंगे ना तो वो क्या होता है, श्रिंक होना चालू हो जाता है, समझ गए मेरी बात। ये सपोज आपका कुछ ये मटेरियल है, इसमें जब आप वाटर ऐड करोगे तो ये क्या होगा, इतना सा बन जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो जाता है, कितना डिक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, सब मैं बताने वाला हूँ, आगे देखिए। तो आप जान के रख लीजिए ये वेट वॉल्यूम है, मतलब मसाला में पानी डाल चुके हैं और मिक्स कर चुके हैं, मिक्स करने के बाद आपका ये वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब हम काम करते हैं तो कुछ वेस्टेज भी है हमारा, वेस्टेज के साथ साथ जो ब्रिकवर्क हुआ हुआ है ना, ये सेक्शन अगर देखोगे तो ये ब्रिकवर्क है मेरा। तो जरूरी नहीं कि आपका जो ब्रिक है वो एकदम यूनिफॉर्म है, मतलब एकदम स्ट्रेट है। हो सकता है जो आपका ब्रिक है वो अनइवन हो, मतलब ये स्ट्रेट ना हो के ऐसे बल्ज हो थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा जो बल्ज है ये तो थोड़ा मोटर में रखाएगा, फिर जाके बहुत सारा ब्रिक का क्या होता है, कोना टूटा हुआ होता है, मतलब अनइवन नहीं है, शेप अच्छा नहीं है, इसके वजह से भी हमारा ज़्यादा मोटर खा सकता है वो सीमेंट, ठीक है। और एक चीज़, अगर सिंगल वॉल होता, सिंगल ब्रिक वॉल होता, तो ये सपोज आपका ब्रिक वर्क है,
हर ब्रिकवर्क के बीच में फ्रॉग होता है, ठीक है। फ्रॉग मतलब एक डिप्रेशन, एक गड्ढा होता है। जैसे ये ब्रिकवर्क है, ये फ्रॉग रहता है ऊपर में, देखना, जिसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है, तो ये गड्ढा रहता है इसमें, तो इसमें तो आपका मोटर जाएगा। तो अगर 4 इंची का वॉल है, 5 इंची का वॉल है, तो वो लगता है। बट हम लोग यहाँ पे 10 इंची का वॉल पकड़े हैं, 10 इंची का वॉल पकड़े हैं, मतलब जो ब्रिकवर्क बैठेगा वो जो फ्रॉग पकड़ेंगे वो ब्रिकवर्क में पकड़ेंगे, हम लोग प्लास्टर में नहीं पकड़ेंगे। लेकिन एक जगह प्लास्टर में फ्रॉग आएगा, वो कौन सा आएगा, ये देखिए, टॉप पे, टॉप पे जो ब्रिक हम लोग बैठाएंगे ना, उसमें हमारा फ्रॉग आने वाला है, उसमें हमारा फ्रॉग आने वाला है, यहाँ पे फ्रॉग दिखेगा ऊपर से, ठीक है। तो उसमें भी कुछ मेरा मोटर एक्स्ट्रा जाएगा, तो वेस्टेज, डिप्रेशन, ये सब मिलाकर आपको कितना बढ़ा देना है, 20% इंक्रीज करना है। तो 20% किस में, ये जो यूनिट वेट वॉल्यूम निकला था उसमें, तो 1.974 प्लस 20% और देखिए इंक्रीज मैंने कर दिया, ठीक है। तो इंक्रीज 20% कर दोगे तो 2.369 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। याद रखिएगा ये भी आपका वेट वॉल्यूम है, ठीक है। अभी मैंने ड्राइव में कन्वर्ट नहीं किया है, ये भी आपका वेट वॉल्यूम ही है। तो बहुत इनको ये परसेंटेज कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक प्रॉब्लम हो जाता है, तो बहुत कोई कमेंट मुझसे पूछते हो तो मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे 20% ऑफ इतना है ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख, 1.974 × 20% ऑफ इतना, मतलब 20% मतलब हम डिवाइडेड बाई 100 कर देना, और इंटू ऑफ की जगह मल्टीप्लाई की डाल देना 1.974, इसको कैलकुलेट करना तो आपका आ जाएगा सीधा, ठीक है, ये वाला पार्ट ये आ जाएगा। और एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो आपका जिसका आपको इंक्रीज करने के लिए बोला है ना, वो पहले आप लिख दो, मल्टीप्लाई का एक साइन डाल दो। आप देखना जब भी 10% से ऊपर है, मतलब 10, 11, 12, 13, उसके ऊपर जितना है, तो जैसे यहाँ पे 20% बोला है ना, तो आप ऑलवेज 1 और पॉइंट डाल के रख दो, ठीक है। 20% बोला है मतलब 2, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना, डायरेक्ट वो इसका और इसका सबमिशन करके आपको आंसर दे देगा, इसको और इसको ऐड करके डायरेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। ये प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज देखिए मैं 20% नहीं, आप क्या करना है, 30% इंक्रीज करना है, तो 1.3। सपोज 33% इंक्रीज करना है, तो 1.33, ठीक है, पॉइंट रख देना, और जितना परसेंटेज बोला है ना उतना डाल देना। सपोज 54 बोला है, तो 1.54 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर दे देगा एडिशन होकर। लेकिन जब 10 से कम है, मतलब 9% है, तब आपको क्या करना है, 1.09, ठीक है। सपोज 5% है, तो 1.05, ठीक है। जैसे ही 10% हो जाएगा, तो वन तब हो जाएगा 1.1, ठीक है। 10% से ऊपर ऐसे डालना है, और 10 से कम होगा तो 0 एक डाल के तब उसको लिखना, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो ये देखिए आपका ये आ चुका है मेरा वेट वॉल्यूम। अब हमारा काम है वेट से ड्राई में कन्वर्ट करने का। तो वेट से ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए क्या फैक्टर है, 33% हमें और इंक्रीज करना पड़ता है। तो नाउ इंक्रीज 33% टू कन्वर्ट वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम। तो हमारा यहाँ पे वेट कितना था, 2.369, वो मैंने लिखा है, प्लस 33% ऑफ 2.369, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करना, 3.151, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2.369 × 1.33 करोगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा आपका, देख लेना करके, ठीक है, क्यूबिक मीटर। हमने सीमेंट सैंड जो पकड़ा है यहाँ पे प्लास्टर के लिए, 1:6 रेशियो में पकड़ा है, ठीक है। तो हम पहले सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं, मतलब सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है ना, उसको सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो सम ऑफ रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड, 1 + 6 = 7, ठीक है। सबसे पहले सीमेंट निकालते हैं, सीमेंट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम कितना है, 3.151 हमने निकाला, वो बैठाओ इनटू फ्रैक्शन में आएगा, ऊपर आएगा आपका सीमेंट का जो रेशियो है, सीमेंट का कितना है 1, वो 1 डाल दो, डिवाइडेड बाई 7 जो आपका सबमिशन होके आया है वो डालो, इनटू सीमेंट का जो डेंसिटी है 1440 वो डालना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 648 kg, ठीक है, kg आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट का बैग है ना, तो हम लोग चलो बैग्स में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बैग का वेट कितना होता है, 50 kg ना, तो टोटल kg को 50 से अगर डिवाइड करोगे तो वो बैग्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 12.96 बैग्स आएगा। मैंने राउंड ऑफ करके इक्विवेलेंट कर दिया है 13 बैग्स में यहाँ पे, ठीक है। तो सीमेंट आ गया, अब सैंड निकाल लेते हैं। सैंड कैसे निकलेगा, ये आपका ड्राई वॉल्यूम हो गया 3.151 जो यहाँ पे हमें मिला है, इंटू सैंड का रेशियो कितना था 6, बाई सबमिशन कितना होके आया था 7, ठीक है, इनटू 35.3147। अब ये क्या है बताता हूँ, सपोज आपको सैंड निकालना होता क्यूबिक मीटर में, तो आप क्या करते, जस्ट ये वाला पार्ट और 6/7 ले लेते, इतना ही जस्ट अगर आप मल्टीप्लाई कर देते ना, तो जो आंसर आता वो आपका क्यूबिक मीटर में आता। बट हमें चाहिए सैंड यहाँ पे सीएफटी में,
तो क्यूबिक मीटर से कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर है वो 35.3147 होता है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए, 1 m³ में 35.3147 CFT मतलब क्यूबिक फीट होता है। इसलिए इतना अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाई करते तो m³ होता, मतलब क्यूबिक मीटर होता। इसको आप मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया CFT में, तो ये CFT आ गया, ठीक है। सैंड को CFT में निकालने का एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत इजी है। इसके लिए आपको क्या होगा कि सीमेंट आपको जानना होगा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन बैग्स। सीमेंट का क्वांटिटी अगर आपको बैग्स में पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन बैग्स मल्टीप्लाई सैंड का रेशियो आपको पता होना चाहिए इनटू 1.226। 1.226 क्या है, एक सीमेंट बैग जिसका वेट है 50 kg, उसका वॉल्यूम CFT में क्यूबिक फीट में 1.226। ये इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। बस वैल्यू पुट करो, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन बैग्स कितना है, देखो 13 बैग्स है लेकिन एग्जैक्ट वाला हम लोग लेते हैं 12.96, ठीक है। 12.96 इंटू सैंड का रेशियो कितना था, 6 इनटू 1.26, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 95.33, ये 95.38 अप्रॉक्स तो सही है ना, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं इजीली। अब हम लोग क्या करेंगे, बल्केज ऑफ सैंड के लिए हम लोग परसेंटेज 8% बढ़ा देंगे। ये एक्सपेरिमेंटली आपको साइट पर करके देखना होगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट नहीं पता कि बल्केज ऑफ सैंड कैसे निकालते हैं तो आप कमेंट में बताओ, मैं क्या करूँगा वीडियो डाल दूंगा उस पर, आप वहाँ से भी वो सीख लोगे, ठीक है। तो हम लोग साइट पे एक्सपेरिमेंट करके देखें तो हमारा जो बल्केज इंक्रीज होना था वो 8% इंक्रीज होना था। तो हम लोग क्या करेंगे, सैंड का जो क्वांटिटी आया है ना यहाँ पे 95.38, आप कोई भी ले लेना 95.38, इसका और 8% बढ़ा देंगे, क्योंकि नमी पानी होती है ना साइट पे, हमारे मॉइस्चराइजर कंटेंट किया रहता है तो उसी को हम लोग बल्केज बोलते हैं। तो उस मॉइस्चर की वजह से जो वॉल्यूम एक्सपैंड होता है उसको बल्केज कहा जाता है सैंड का, ठीक है। तो 95.38 प्लस 8% और इंक्रीज कर दिए तो आपका आ जाएगा 103 CFT। तो अब सैंड बल्केज लेके कितना हुआ, 103 CFT, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग पानी, क्योंकि पानी भी तो निकालना होगा ना, सैंड कितना है हमारा कितना नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं किया है, क्योंकि देखिए सैंड में आपका यहाँ पे पानी घुसा हुआ है तो यहाँ से वाटर करेक्शन किया जाता है, वो मैंने यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि साइट पे कोई मिक्स डिजाइन करके इसको नहीं करता है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जो मोटर कुछ भी करती है तो मिक्स डिजाइन करके ही करती है। तो वाटर सीमेंट रेशियो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है 0.45, ठीक है, ये मैं कंसीडर कर लिया है। वाटर बाई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वाटर बाई सीमेंट इज इक्वल टू 0.45, ठीक है। अब देखिए हमें वाटर निकालना है ना, तो वाटर को यहाँ रख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.45 के संग सीमेंट क्या कर देगा, यहाँ चला जाएगा। तो 0.45 इंटू सीमेंट इन kg, हमेशा याद रखिएगा यहाँ जो सीमेंट हम लोग लेते हैं वो ऑलवेज kg में लेंगे। तो 0.45 उतर गया सीमेंट इन kg, तो देखिए हम लोग सीमेंट kg में निकाल चुके थे 648 kg, वही मैंने यहाँ पे बैठाया है 648 kg। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आएगा 291.6 लीटर, मतलब इतना लीटर पानी आपको लगने वाला है। ये केजी में एक्चुअली आया था तो लीटर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है पीने लायक पानी का उसको 1 रखना होगा तभी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 291.6 लीटर पानी हमारा लगेगा जब हम वॉल्यूम ऑफ सैंड वाटर और प्लास्टर ये जो मिक्स करेंगे मोटर को बाउंड्री वॉल के लिए प्लास्टर के लिए, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं मोटिवेट होता हूँ नई नई वीडियोस लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ नया लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।